देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की है मोनू जी ने, जो एक जेसीबी ऑपरेटर हैं। मोनू जी बताते हैं कि ये घटना लगभग 2 साल पहले घटी थी, जब मैं और मुकेश नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे। जहां पर हमारा काम चल रहा था वो एक जंगल का हिस्सा था, मगर वहां पर एक छोटी सी बस्ती भी थी उस जंगल से लगी हुई। हमें वहां पर काम करते हुए 3 से 4 दिन बीत चुके थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर अचानक ही मुकेश का स्वभाव बदलने लगा। जहां वो हर वक्त मेरे साथ ही रहता था, तो अब वो साइट पर से ज्यादातर गायब ही रहता। फिर जब एक रात मैंने उसे डांटते हुए कहा, देख मुकेश, आजकल देख रहा हूं कि तेरा काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, क्या बात है, तू कहां पर गायब रहता है? पर उस वक्त मुकेश ने मेरी बात का जवाब देने की बजाय मुझसे कहा, नहीं नहीं यार, कुछ नहीं, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। इतना बोलकर वो काम पर लग गया। मैंने भी ज्यादा घुसने की कोशिश नहीं की और बात वहीं पर खत्म कर दी, मगर मुझे अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसी रात जब मैं पानी पीने के लिए जेसीबी से कुछ देर के लिए उतरा, तो मैंने नोटिस किया कि मुकेश तो फिर से गायब है। मैंने आसपास नजरें घुमाई तो मुझे मुकेश पेड़ के पीछे दिखा। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बात कर रहा हो। मैं उसे आवाज देने ही वाला था कि पीछे से मुझे आवाज आई, अरे मोनू भैया, ये लो पानी पी लो। फिर जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि मुकेश पानी की बोतल लिए खड़ा है। मैंने उसी वक्त उस पेड़ की तरफ देखा तो पाया कि अब वहां पर मुकेश नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी मैंने पानी की बोतल मुकेश से लेते हुए पूछा, तू किससे बात कर रहा था? मगर मुकेश ने बात घुमाते हुए कहा, आज का तो काम खत्म ही हो गया भैया, तो चलो चलते हैं। इस पर मैंने कहा, अभी काम कहाँ खत्म हुआ है? और ये कहते हुए जब मैंने जेसीबी की तरफ देखा तो पाया कि सच में सारा काम खत्म हो चुका है। उस रात मैं अजीब सी उलझन में पड़ा रहा। फिर अगली रात मैं काम पर पहुंचा तो बीच रात में जेसीबी बिगड़ गई, जिस वजह से काम रोकना पड़ा। ऐसे में हम घर भी नहीं लौट सकते थे, क्योंकि जेसीबी बंद पड़ी थी। तो मैं और मुकेश वहीं बिस्तर लगा के नीचे लेट गए। फिर तकरीबन 3 घंटे बाद मुझे ऐसा लगा कि मुकेश किसी से बात कर रहा है। मैं अपनी आँख खोलने ही वाला था कि मुकेश ने मेरी आँखों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, गलती से भी अपनी आँखें मत खोलना मोनू भैया, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। उस वक्त जब उसने मेरी आँखों पर हाथ रखा था तो मुझे ये एहसास हो चुका था कि मामला बहुत ही गंभीर है। उसके कपकपाते और ठंडे पड़े हाथों से साफ जाहिर हो रहा था कि मुकेश के साथ जरूर कुछ तो गड़बड़ है। पर उस वक्त मैं चुपचाप वैसे ही पड़ा रहा। वहीं मुकेश अब फूट फूट कर रोए जा रहा था और अपने जान की भीख मांगे जा रहा था। वहीं मेरी भी हालत भी अब पतली होने लगी थी। और तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद जाकर मुकेश ने मेरे चेहरे से अपना हाथ हटाया, और उसके हाथ हटाते ही जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। दरअसल मुकेश की आंख अंदर को धसी हुई थी, उसके शरीर की एक एक हड्डी नजर आ रही थी। महज 2-3 घंटों में ही वो इतना ज़्यादा सूख गया था कि मानो वो कई महीनों से बीमार हो। मैंने तुरंत ही उससे पूछा, ये क्या हुआ तुझे, और तू बात किससे कर रहा था, और ये अपनी जान की भीख किससे मांग रहा था? इस पर उसने कहा, भैया एक लड़की है रेजा नाम की, उससे मैं यहीं पर मिला था पहले दिन ही। पहले तो मुझे लगा कि वो कोई आम लड़की है, जिस वजह से मैं उसके प्यार में पड़ गया, मगर बाद में मुझे शक हुआ कि वो हर रात मेरा खून चूसती है। तो मैंने उस पर नज़र रखी तो पाया कि उस जंगल के बीच में ही उसकी लाश दफन है, जहाँ से वो हर रात बाहर निकलती है। और अब जब मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ तो वो मेरे को छोड़ने को तैयार ही नहीं है, वो मेरे को अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है। उसकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे तो खड़े ही हो गए थे। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे आसपास घूम रहा है। मैंने सुबह होते ही
मुनीम से कहकर मुकेश को अस्पताल में भर्ती करवा दिया, मगर वो पता नहीं कैसे अस्पताल से गायब हो जाता और वापस साइट पर पहुंच जाता। मुनीम को भी समझ आ गया कि यह कोई ऊपरी चक्कर का मामला है, लिहाजन मुनीम ने मुझको उसके गांव भेज दिया। साथ ही उसके परिवार को बता दिया कि जल्दी से जल्दी किसी ओझा को दिखा दो, वरना मुकेश बच नहीं पाएगा। फिर कुछ दिनों बाद खबर आई कि मुकेश की डेथ हो गई है। मरने से पहले वो बार बार यही कहे जा रहा था कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मुकेश की मौत ने मुझे अंदर तक झंझोर दिया था। इसी बीच मेरी मुलाकात जंगल से लगी बस्ती के कुछ लोगों से हुई, और जब बातों बातों में मैंने मुकेश का जिक्र किया तो पता चला कि उस गांव में कभी एक डायन हुआ करती थी, जो नौजवान अविवाहित लड़कों को अपने बस में करके उनके साथ संभोग और फिर उनका खून पिया करती थी। और जब बस्ती वालों को ये पता चला तो उस डैन को जान से मारकर जंगल के बीचों बीच फेंक दिया, मगर उसके मरने के बाद भी उसकी आत्मा खत्म नहीं हुई और वह अक्सर इसी जंगल में भटकती हुई नजर आ जाती है। और जिसे भी वो डैन दिखाई देती है तो फिर वो बच नहीं पाता। दोस्तों, ये सब जानने के बाद अब मेरी भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं वहाँ काम करूँ, और मैंने उसी रोज वो साइट छोड़ दी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।